हाय, मैं आफताब। आज आपसे उस सफर की बात करने वाला हूँ जिस सफर को आप चाहकर भी भुला नहीं सकते। अगर आप अभी भी उस सफर के मुसाफिर हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप इस सफर को बहुत इंजॉय कर सकते हो। वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम बचपन में उस जगह को देखना क्या उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हो, मगर आगे जाकर उसी जगह को याद करके रोते हो। जी हाँ, वो अजीम जगह है स्कूल। ये वो जगह है जहाँ तुम नए नए दोस्त बनाना सीखते हो, नए नए शरारतें करना सीखते हो। वही स्कूल के दोस्त ही होते हैं जिन्हें तुम कभी भुला नहीं सकते। जिंदगी के हर मोड़ पर हर जगह तुम्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, पर स्कूल जैसे दोस्त जिंदगी में एक ही बार मिलेंगे। वो दोस्तों का एक साथ मैथ्स और इंग्लिश की क्लास बंक करना, वो दोस्त की नई कॉपी आने पर उसे छुपा देना और उसे फिर खूब सताना, वो टीचर्स के अजीब अजीब नाम रखना, वो टीचर का बोर्ड की तरफ घूमते ही पीछे से जोर जोर से जानवरों की आवाजें निकालना और फिर टीचर्स का बैक बेंचर को क्लास से बाहर निकालना। वो पीई टीचर के एब्सेंट होने पर क्लास को ही ग्राउंड बना लेना और फिर डेस्क के नीचे छुपकर एक दूसरे को पेपर बॉल्स मारना। वो दोस्त का कैंटीन पर जाना और फिर उसके कैंटीन से आते ही हम सब का उसकी चीजें छीन कर खा जाना। बहुत याद आते हैं वो दिन जब छोटी सी बात पर लड़ाई करना और फिर बाहर में ये वाले डायलॉग मारना। वो बचपन का यार और स्कूल का पहला प्यार, कैसे एक दोस्त की सेटिंग करवाने तीन दोस्त साथ में उसका हौसला बढ़ाने जाते थे। कभी क्लासमेट, कभी टीचर, तो कभी जूनियर्स को अपना क्रश बनाते थे। आज उन्हीं यादों को याद करके अपने आंसू नहीं रोक पाते। वो कंप्यूटर लैब और प्रैक्टिकल की बातें, कोई एक पानी भरने जाता तो हम उसे अपनी भी बोतल पकड़ाते। एग्जाम्स में एक दूसरे के सहारे जाना, कुछ खुद याद करना, कुछ आगे पीछे वाले को याद करवाना और वो कोड वर्डिंग में एक दूसरे को आंसर्स बताना। वो अपने दोस्त के नाम के नारे लगा के उसकी गर्लफ्रेंड को खूब सताना और फिर पूरे स्कूल में उसकी लव स्टोरी को फैलाना। वो एक दोस्त को नीचे करना और फिर पूरी क्लास का उसको मिल कर मारना। बहुत याद आते हैं वो दिन। हो सकता है अभी तुम्हें ये बातें मजाक लगे, पर आने वाले वक्त में तुम यही बातें याद कर रोया करोगे। विश यू अ वेरी हैप्पी स्कूल लाइफ। थैंक यू।